नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो समृद्धि। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज फॉर 4 ईयर्स एट 6.25 पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 रुपीज एट 5% पर एनम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम इज क्या बोल रहा आपको? कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 500 रुपीस को जब हम 4 इयर्स के लिए देते हैं किसी को उधार पे, और उससे हम इंटरेस्ट रेट लेते हैं 6.25%। ठीक है, हमने किसी को 500 रुपए दिए 4 साल के लिए दिए, 6.25% के लिए दिए, मेरे पास फर्स्ट से पैसे आ जाएंगे यहाँ पे। अब मैं दूसरे पर्सन को पैसे दे रही हूँ 400, 5% के लिए दे रही हूँ। वो कह रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम पीरियड के लिए, वही टाइम पीरियड मुझे निकालना है कि मैंने कितने टाइम के लिए दिए, और ये इंटरेस्ट आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में कह रखा है, ये देखो इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे टाइम टी मान लेना और इसके अपॉन में 100 लिख दोगे, ये वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल, करो क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, देखो देख रहे हो स्क्रीन पे, 500 इंटू 4 इंटू 6.25 अपॉन 100, और राइट साइड पे करेंगे 400 इंटू 5 इंटू टाइम निकालना है, टाइम को मैंने टी मान लिया, लेट अस सपोज द टाइम पीरियड इज टी। अब ये 100 की 00 से वाली 00 कैंसिल, ये वाली 00 से ये वाली 00 कैंसिल, तो टाइम की वैल्यू निकालनी है, टी क्या आ जाएगा, P को इधर ही रहने दो, 5 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 625, पॉइंट हटाएंगे इसका तो नीचे 00 लग जाएगी, और ये 5 मल्टीप्लाई में था, ये नीचे आ जाएगा। हो गया सॉल्व, तो आंसर बताओ।
गगन का आंसर आ रहा है काफी साई समृद्ध। समृद्ध आपका नहीं आंसर आया बेटा? मैम फाइव आंसर। फाइव आंसर, वेरी गुड। चलिए सबका फाइव आ रहा है। देखिए हम 100 से इसकी कटिंग कर देंगे, 4 1 4 25 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 25 से इसकी कटिंग करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो हम डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं इसकी। 5 1 5 5 5 25, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 5 ईयर्स। क्लियर है सबको बेटा? आप सबको 25 का टेबल लर्न करना है, ठीक है? क्योंकि कटिंग होती है, बार बार यूज होता है 25 का टेबल। चलिए साई क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 4, रुपीज 6,000 बिकम्स रुपीज 7,200 इन 4 ईयर्स एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर्स विल बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो समझ में आया? एक 6,000 रुपीज की मनी है, उसको हमने लेंड किया, उधार दिया, वो 7,200 बन जाती है 4 ईयर्स में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है? इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, वो कह रहे पहले जितना रेट लगा रहे थे अब उससे डेढ़ गुना रेट कर दिया जाए, 1.5 टाइम्स कर दिया जाए, द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल, और उसी सेम प्रिंसिपल को 6,000 रुपीज को 5 ईयर्स के लिए लैंड किया जाए। पहले 4 ईयर्स के लिए कर रहे थे, अब 5 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, तो बताओ फिर क्या अमाउंट आएगा? अमाउंट होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो प्रिंसिपल तो मुझे पता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना होगा। पहले आप यहां से अमाउंट निकाल सकते हो या फिर इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट, ये टाइम। यहां से पहले आप रेट निकाल लीजिए, फिर उसका 1.5 टाइम्स करेंगे। पहले यहां से रेट निकाल लो कि बताओ कितना आ रहा है। अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है? इंटरेस्ट। यहां से इंटरेस्ट निकाल लो। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट। 7,200 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 1,200 इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से। अब फॉर्मूला लगा दो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से रेट निकाल लो, 1,200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 6,000, रेट हमें निकालना है, टाइम है 4 ईयर्स अपॉन में 100। ये वाली 00 से वाली 00 कैंसिल, आर कितना आ जाएगा,
आर इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 4. आएगा यहां से रेट 16 × 4 है ना, ये नीचे आ जाएगा तो 0 से 0 कट, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 20 आ गया, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो रेट कितना आ गया 5%. फर्स्ट वाली बार में हमारा रेट 5% आ गया. यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है रेट कैसे आया 5%? बेटा किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके. गगन क्लियर है? समृद्ध अब रेट जो 5% आया उसको हमने क्या करना है, 1.5 टाइम्स करना है उसका. देखिए 5 रेट है तो 5 का 1.5 गुना यानी 1.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना 5 को. तो 5 × 7 करेंगे, सॉरी 5 करेंगे, कितना आएगा 7.5 आ जाएगा रेट. अगली बार रेट ऑफ परसेंट क्या लेंगे, 7.5%. अब टाइम भी चेंज हो गया, टाइम कितना है 5 years, लेकिन वो कह रहा है प्रिंसिपल सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल 6000 ही रहेगा. रेट हो जाएगा 7.5 × टाइम हो जाएगा हमारा 5/100. अब इसका पॉइंट हटाएंगे, उसके बदले में भी नीचे डिनोमिनेटर में 10 लग जाएगा. 1, 2, 3, 3 zeros, ये भी 3 zeros कट हो जाएंगी. तो 6 × 5 होता है हमारा 30. 30 को 75 से मल्टीप्लाई करो. तो यहां से इंटरेस्ट आ जाएगा 3, 5 = 15, कैरी 1, 3, 7 = 21, 21 और 1 = 22, 2, 2 = 50. ये मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया सेकंड बार के लिए I2. अब अमाउंट पूछा है, इंटरेस्ट नहीं पूछा उन्होंने. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 6000, इंटरेस्ट कितना है 2, 2 = 50. ऐड कर लो दोनों को, 6000 + 2, 2 = 50 = 8, 2 = 50 विल बी राइट आंसर. हाँ जी संदीप, राइट आंसर 8, 2 = 50. समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? बस स्टेटमेंट समझनी है कि क्वेश्चन में क्या क्या रखा है. फॉर्मूला तो यही किया है, वही लग रहा है बार बार. करिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई, फिफ्थ वाला. गगन इसकी स्टेटमेंट रीड करो. यस मैम. Rupees 1000 is invested at 5% per annum, simple interest. If the interest is added to the principal after every 10 years, the amount will become rupees 2000 after. देखो कह रहा है हमने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे 5% पर एनम के हिसाब से. कितने टाइम के लिए करे टाइम नहीं मेंशन किया उसने. इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, वो कह रहा है यहां से जो इंटरेस्ट आएगा उसको मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूं हर 10 साल के बाद, तो अमाउंट जो है वो 1000 से 2000 रुपए कितने साल बाद बन जाएगा. पहले 1000 था, अब अमाउंट 2000 बन जाएगा, लेकिन कितने टाइम बाद. ठीक है, ट्राई करो.
पहले यहां से इंटरेस्ट निकालो 1 ईयर के लिए, सॉरी 10 ईयर्स के लिए निकाल लो, फिर 10 ईयर्स बाद जो इंटरेस्ट आएगा उसको 1000 में ऐड कर देना, क्योंकि उसने बोला है ना कि इंटरेस्ट हमेशा ऐड किया जाता है 1000 प्रिंसिपल में। बेटा जो कल मैंने गूगल क्लासरूम पे पीपीटी शेयर की थी ना, वो एक्चुअली 6th क्लास की थी, तो आज मैं आपकी 9th क्लास वाली पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये भी सिंपल इंटरेस्ट की है, वो भी उसमें आपकी डिफाइंस है, लेकिन इसमें डिफाइंस नहीं मेंशन है। ये क्वेश्चन घर से कर लेना आप, 5th वाला ट्राई करना, नहीं तो होएगा तो मैं कल करवा दूंगी फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है हमारा, प्रिंसिपल ऑन द इंटरेस्ट विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 90 विल बी। वो कह रहा है 6% पे अगर पैसे उधार पे दिए जाएं 3 साल के लिए तो 90 रुपीज इंटरेस्ट किस केस में मिलेगा, अगर प्रिंसिपल 270 हो, अगर प्रिंसिपल 500 हो, अगर प्रिंसिपल 540 हो, या प्रिंसिपल 720 हो। मीन्स आपको प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो फॉर्मूला लगा लोगे आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। आई कितना है आपका 90, तो 90 इज इक्वल टू पी इंटू आर कितना है 6, टी कितना है 3 अपॉन 100। यहां से पी की वैल्यू निकाल लोगे कितनी आएगी 90 × 100 अपॉन 6 × 3 = 18। तो 18 × 18 = 18, 18 × 5 = 90। टेबल्स बेटा अच्छे से लर्न होने चाहिए तभी कैलकुलेशन होगा। तो 5 × 100 कितना हो जाएगा 500। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 6th क्वेश्चन का, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।